और बात हरदा की, हरदा में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट कांड में एक्शन जारी है। पुलिस ने दो और आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस की गिरफ्त में आरोपी अमन और आशीष दोनों ही आ चुके हैं। आशीष के खंडवा, अमन के इंदौर से गिरफ्तारी हो चुकी है। पटाखा फैक्ट्री के मैनेजर थे दोनों आरोपी। फैक्ट्री मालिक समेत अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनमें आशीष भी शामिल है। कार्रवाई की जा रही है और अब तक 5 गिरफ्तारियां हो गई हैं। और चूंकि हादसे वाले दिन ही जो फैक्ट्री मालिक हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, उसका जो सुपरवाइजर उसे गिरफ्तार किया गया था, 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें अब कुल मिलाकर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 6 तारीख को जो घटना हुई है उसमें अभी तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसमें राजू अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल, रफीक खान की उसी दिन गिरफ्तारी हो गई थी और अभी 2 आरोपियों की आज गिरफ्तारी हुई है, अमन और आशीष की। आशीष और अमन के ऊपर क्या आरोप है? ये दोनों मैनेजर थे जो उनका काम संभालते। और हरदा से बड़ी खबर आपको बता दें, बम बारूद मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। 16 ड्रम में मिले हजारों सुतली बम, धमाकों से ध्वस्त फैक्ट्री के मलबे में मिले बम प्रशासन ने पानी डालकर नष्ट किया है और इनकी बरामदगी अभी भी जारी है और इस पर एक्शन लिया जा रहा है। आप देखिए ये कितनी भारी मात्रा में, काफी संख्या में यहाँ पर ये बॉम्ब्स हैं जो कि उन्हें पानी डालकर खराब किया जा रहा है और प्रशासन ने इन्हें पानी डालकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया, क्योंकि पानी डालने के बाद इनकी जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है धमाके की। और ऐसे में अब लगातार पुलिस दबिश दे रही है और देख रही है कि आखिर कहां पर कितनी मात्रा में ये बॉम्ब्स मिल रहे हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि अग्निकांड के बाद लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ जहां बड़ी मात्रा में सुतली बम या जो बम बारूद होता है वो बरामद किया जा रहा है। लगातार पुलिस एक्शन मोड में इन्हें नष्ट कर रही है। और अब बात करेंगे सागर की। सागर में युवक की हत्या पर जोरदार हंगामा हुआ। दरअसल परिजनों के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने थाने के सामने शव रखकर